उधारी वापस लेने के लिए मोहन धूप में पसीना बहा रहा है पर सिर्फ तारीख पे तारीख पा रहा है और एसी में बैठा रोहन पैसे ऑनलाइन पा रहा है। कैसे? खाता बुक, डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता, मुफ्त, सुरक्षित और आसान। हाय, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। सलमान खान की दबंग 3 थिएटर्स में लगी हुई है, 3 दिन हो चुके हैं। पिछली बार भाई की भारत को नुकसान झेलना पड़ा था, इस बार भारत की वजह से भाई को नुकसान झेलना पड़ रहा है दबंग 3 को। यानी वर्ड प्ले पर कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ देश भर में चल रहे CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की बात हो रही है। ट्रेड पंडितों का मानना है कि इन प्रदर्शनों की वजह से दबंग 3 की कमाई पर कम से कम 5 से 9 करोड़ रुपए तक की कमी आई है। कमी तो ठीक है, लेकिन कमाई कितनी हुई है सवाल ये है। तो उसका जवाब है कि दबंग 3 20 दिसंबर के दिन शुक्रवार को सिनेमाघरों में लगी। फिल्म के पहले दिन जो कमाई रही वो थी 24 करोड़ 50 लाख रुपए, जो कि सलमान खान की सुपर स्टारडम के लिहाज से काफी कम है। दूसरे दिन की बात करें तो कमाई हुई थोड़ी सी, मतलब बेहतरी देखी, 24 करोड़ 75 लाख रुपए। और हालांकि वीकेंड के आखिरी दिन यानी रविवार की अगर बात करें तो थोड़ा सा संभला और फिल्म ने तकरीबन 29 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। अगर टोटल मिला दें तीनों दिनों का तो हुआ 78 करोड़ 25 लाख रुपए। सलमान खान के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उम्मीद ये जताई जा रही थी कि फिल्म पहले वीकेंड पर तमाम दिक्कतों के बावजूद भी 85 करोड़ रुपए की तो कमाई कर ही लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। सलमान खान की पिछली 3 फिल्मों का अगर हम फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन देखें तो उनके सामने दबंग 3 का जो कलेक्शन है वो बौना सा लगता है। शुरुआती वीकेंड में क्या थे उन फिल्मों के कलेक्शन, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत 150 करोड़ रुपए बुधवार को रिलीज होकर, इसको 5 दिन मिले थे वीकेंड के लिए। रेस 3 106 करोड़ 17 लाख रुपए, टाइगर जिंदा है 114 करोड़ 93 लाख रुपए। इन नंबर्स से लग रहा है कि अब सलमान खान के भी चेत जाने का समय आ गया है कि सुपर स्टारडम की जमीन पर उपजे दोयम दर्जे के अनाज की कमाई वो ज्यादा दिन तक तो नहीं खा पाएंगे। इस बार उनके पास CAA प्रोटेस्ट का बहाना है, लेकिन इन बहानों की आड़ में सच्चाई से भागने का भी कोई मतलब नहीं है। खैर, हम ज्यादा ज्ञान नहीं बांचेंगे। फिल्म की कमाई का सबसे अहम जरिया होता है वर्ड ऑफ माउथ, यानी फिल्म देख चुके जो लोग हैं वो फिल्म के बारे में क्या राय रखते हैं। दबंग 3 के पास तो वो वाला बेनिफिट भी नहीं है, क्योंकि फिल्म क्रिटिक से लेकर जनता फिल्म के बारे में पॉजिटिव बातें छोड़कर सब कुछ बोल रही है। ऊपर से दिक्कत वाली बात यह है कि दबंग 3 के पास ये कमाई आने वाली जो दिनों में मैनेज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी तो टाइम ही बताएगा, क्योंकि जो कमिंग फ्राइडे है वो खतरनाक सा है। क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार की गुड न्यूज आ रही है जो सलमान के लिए ऑफकोर्स डेफिनेटली बैड न्यूज है। आगे ये फिल्म क्या झंडे गाड़ती है ये हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। दबंग 3 से पहले रानी मुखर्जी की मर्दानी 2 रिलीज हुई थी और सॉलिड कंटेंट के साथ इस फिल्म ने अपने लिए ठीक ठाक पैसे कमा लिए हैं। शुरुआती 3 दिनों में इम्प्रेसिव तरीके से 18 करोड़ रुपए स्कोर किए हैं और फिल्म बीते शनिवार तक टोटल 31 करोड़ 15 लाख रुपए कमा चुकी है। आशुतोष गवारिकर की बिग बजट पीरियड ड्रामा पानीपत 3 हफ्तों में टोटल रहा है इसका 32 करोड़ 30 लाख रुपए। और अगर बात करें पति पत्नी और वो फिल्म की तो 76 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए हैं इसने। कमांडो 3 ने 32 करोड़ 84 लाख रुपए की कलेक्शन कर ली है। अब ये आप कलेक्शन पूरा जान चुके हैं जो भी लेटेस्ट फिल्म्स हैं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे और वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए द ललन टॉप। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।